डॉन फिल्म के प्रोड्यूसर नरिमन ईरानी। फिल्म रिलीज होने के पहले ही उनकी एक एक्सीडेंटल डेथ हो गई और फिल्म रिलीज करने का जिम्मा जो फिल्म के डायरेक्टर थे चंद्रा बारोट इनके ऊपर आ गई थी। चंद्रा बारोट ने इस फिल्म के लिए बड़ी मेहनत की थी और उनका डायरेक्शन बहुत ही लाजवाब हुआ था। चंद्रा बारोट ये फिल्म अपने गुरु मनोज कुमार को दिखाना चाहते थे। मनोज कुमार के साथ उन्होंने कई फिल्मों में एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर काम किया था और जब ये फिल्म मनोज कुमार ने देखी तो उन्हें ये फिल्म बड़ी पसंद आई। मगर मनोज कुमार ने यह महसूस किया कि फिल्म के आखिरी 60 मिनट्स में कोई गीत नहीं है। उन्होंने कहा कि फिल्म का पेस मेंटेन करने के लिए एक गीत की ज़रूरत है, तो एक गीत इंक्लूड करने के लिए मनोज कुमार ने उन्हें सलाह दी। फिल्म तो कंप्लीट हो चुकी थी, चंद्रा बारोट जी ये फिल्म रिलीज करने वाले थे। मनोज कुमार की सलाह की वजह से उन्होंने इस फिल्म में एक गीत डालने की योजना बनाई और फिर उन्होंने लिरिसिस्ट अंजन जी और फिल्म के म्यूज़िक डायरेक्टर कल्याण जी आनंद जी उन्हें एक गीत बनाने के लिए कहा। और जब गीत की सिचुएशन लिरिसिस्ट अंजन साहब को पता चली तो उन्होंने एक गीत लिखा था बहुत पहले, फिल्म थी बनारसी बाबू। बनारसी बाबू के लिए उन्होंने खै के पान बनारस वाला एक गीत लिखा था और ये गीत उन्होंने बड़े दिल से लिखा था और उन्हें पता था ये गीत ज़रूर हिट होगा। उस वक्त उन्होंने देव साहब को भी बड़ी रिक्वेस्ट की थी यह गीत बनारसी बाबू में इंक्लूड करें, मगर देव साहब को ये गीत उस वक्त इतना अच्छा नहीं लगा। मगर इस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए ये गीत बड़ा ही फिट बैठता था। कल्याण जी आनंद जी को भी लगा ये गीत डॉन में फिट बैठता है। फिर चंद्रा बारोट को उन्होंने एक गीत सुनाया और उन्हें भी एक गीत अच्छा लगा। उसके बाद अमिताभ बच्चन और जीना तमान को रिक्वेस्ट की गई कि वो कुछ डेट्स इस गीत के लिए दे। अमिताभ बच्चन को ये फिल्म बड़ी पसंद आई थी, उन्हें पता था ये फिल्म ज़रूर हिट होने वाली है। उनके बिजी शेड्यूल में अमिताभ ने 4-5 दिन शूटिंग के लिए निकाले। खै के पान बनारस वाला गीत ऑलरेडी अनजान साहब ने लिखा था, उसका कंपोजिशन भी रेडी था, सिर्फ किशोर कुमार जी को इसे गाना था। रिकॉर्डिंग की डेट तय हुई और किशोर कुमार एक गीत गाने के लिए स्टूडियो आ चुके थे। इस गीत के लिए खुद अमिताभ बच्चन भी रिकॉर्डिंग में मौजूद थे और उस वक्त अनजान जी और उनके बेटे समीर साहब भी रिकॉर्डिंग के वक्त मौजूद थे। और जब किशोरदा स्टूडियो में आए तो उनका अंदाज बहुत ही अलग था। तो किशोर कुमार ने चाइना सिल्क की एक लुंगी पहनी थी और कुर्ता पहना था और स्टूडियो में वो आ गए थे। एक पैर में उनकी स्लीपर थी और दूसरे पैर में उनकी बीवी योगिता बाली की स्लीपर थी, वो पहन के वे स्टूडियो आए थे। और किशोर कुमार ऐसा क्यों करते थे इसका जवाब किसी के भी पास नहीं था। और आशा भोसले जी ने कई बार कहा था जब किशोर कुमार का मूड बहुत ऑफ हो जाता था तो वे लुंगी पहनते थे। वैसा ही था उस दिन, उनका मूड कुछ बहुत कुछ अच्छा नहीं था। किशोर कुमार जी लुंगी और कुर्ता पहन के स्टूडियो आ चुके थे। आने के बाद उन्होंने कल्याण जी आनंद जी से बात की और कुछ ही मिनटों के बाद उनका जो मजाकी नेचर है वो फिर बाहर आ गया और फिर वो हंसने लगे और पूछने लगे, क्या आज कौन सा गीत है, क्या बहुत कुछ धमाल गीत करने वाले हो? अनजान साहब ने उन्हें लिरिक्स दिखाया और लिरिक्स अनजान साहब बोलने लगे। तो पहले इस गाने के पहले एक शेर अनजान साहब ने लिखा था और वो शेर किशोर कुमार को सुनाया, और जैसे ही ये शेर किशोर कुमार को सुनाया तो किशोर कुमार ने कहा कि भंग का रंग जमा हो चकाचक। तो किशोर कुमार ने बोला कि मैंने पूरी ज़िंदगी में चकाचक वर्ड सुना नहीं और आपने ये वर्ड कहाँ से लिखा है। तो किशोर कुमार जानना चाहते थे कि चकाचक का मतलब क्या है और भंग का रंग जमा हो चकाचक इसका मतलब क्या है। तो किशोर कुमार को इसकी मीनिंग समझ नहीं रही थी और वो हंस के पूछ रहे थे, अरे भाई इसका मतलब क्या है। तो उसके बाद फिर उन्होंने बोला ठीक है आगे का गाना सुनाओ। उसके बाद वो लिरिक्स सुना रहे थे और पहली लाइन थी खै के पान बनारस वाला। तो किशोर कुमार फिर अड़ गए, वो कह रहे थे खै के क्यों यार, वो खाके पान बनारस वाला बोलेंगे तो क्या गलत है, मैं तो खाके पान बनारस वाला बोलूँगा। तो उसके बाद अनजान साहब ने उन्हें समझाया कि बनारस में इसी टाइप के लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है। और किशोरदा फिर वो गीत सुनने लगे, किशोरदा फिर वो लिरिक्स सुनने लगे और पूरा लिरिक्स किशोरदा ने बड़े ध्यान से सुना। उन्होंने पूरी सिचुएशन बड़े ध्यान से सुनी, उन्होंने अपना 100% कॉन्सेंट्रेशन उसी के ऊपर लगाया।
मगर फिर भी किशोरदा को एक गीत बहुत कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, तो इस गीत का कंपोजिशन कल्याण जी आनंद जी साहब ने किशोर कुमार को सुनाया। जो पहला शेर था वो किस प्रकार से गाना है उन्होंने पूरा किशोर कुमार के ऊपर छोड़ दिया था, इसका कोई कंपोजिशन रेडी नहीं था और किशोर कुमार को बताया गया कि वे खुद इसे कंपोज करके गाए पहला शेर। तो बाद में जो गाना था किशोरदा ने पूरा गाना समझ लिया और बाद में रिकॉर्डिंग के लिए एक गाना रेडी हो गया, मगर किशोर कुमार इस गाने की कोई रिहर्सल नहीं करना चाहते थे, एक गाना वो वन टेक में गाना चाहते थे। उस दौरान रिदम सेक्शन स्टूडियो में मौजूद था मगर जो बाकी म्यूजिशियन थे वो उस वक्त मौजूद नहीं थे, तो किशोर कुमार ने रिदम सेक्शन को कहा एक गाना एक ही टेक में ओके होना चाहिए, अगर कोई रिदम सेक्शन में गलती करता है तो उसे आके ये गाना गाना पड़ेगा और कंप्लीट करना पड़ेगा। मगर उसके पहले किशोर कुमार ने फरमाइश की कि वे पान खाना चाहते हैं, पान खा के ही वे गाना गाना चाहते हैं। तो कल्याण जी आनंद जी साहब ने कहा पान खाएंगे उसके बाद ये गाना आप कैसा गाएंगे, उसके बाद तो गाना मुश्किल हो जाएगा। तो किशोर कुमार ने कहा आप पान तो लाओ सही, और उसके बाद किशोर कुमार के लिए कुछ पान मंगाए गए और किशोर कुमार ने एक पान हाथ में लिया और वो फिल किया और फिल करके उन्होंने गाना शुरू किया। जैसे ही किशोर कुमार ने वो शेर पहले टेक में बोला, अरे भंग का रंग जमा हो चकाचक फिर लो पान चबाए, ये दो लाइन के बाद जिस तरह से उन्होंने वो पान खाने की एक्टिंग की है और उन्होंने जिस प्रकार वो पान खाने का आवाज जो नेचुरल आवाज रिकॉर्ड हुआ है वो लाजवाब है। बहुत सारे सिंगर्स हैं जिन्होंने बहुत ट्राई किया, हम सब लोगों ने बहुत लोगों ने ट्राई करके देखा है, मगर जो आवाज़ किशोर कुमार ने निकाला है जिस तरह से पान खाने का, वो आवाज़ कोई नहीं निकाल सकता। ये सिर्फ एंड सिर्फ टैलेंटेड किशोर कुमार ही कर सकते थे। एक ही टेक में किशोर कुमार ने वो शेर बोला था और उसके बाद वो गाना शुरू हो गया। जैसे ही पहले लाइन चालू हो गई खै के पान बनारस वाला, एक गाने में एनर्जी थी और रिदम सेक्शन भी बहुत अच्छा बजा रहा था, और क्या गाना किशोर कुमार ने गाया है, उसमें जिस प्रकार के लैंग्वेज की ज़रूरत थी वो लैंग्वेज किशोर कुमार साहब ने यूज़ की है। अब देखिए अंतरे, आप सुनिए जिस प्रकार से किशोर कुमार ने अंतरे में गाया है, अब देखिए किस प्रकार की लैंग्वेज उन्होंने यूज़ की है। किशोर कुमार गाने में खुद का क्रिएशन डालते थे, इस गाने में उन्होंने खुद का बहुत सारा क्रिएशन डाला था और ये जब गाना रिकॉर्ड हो रहा था कल्याण जी आनंद जी भी बहुत सरप्राइज हो गए थे। इस गाने के मुखड़े और अंतरे के बीच में एक बहुत ही प्यारा म्यूजिक पीस था और ये म्यूजिक पीस बजने के बाद एक इंस्ट्रूमेंट बजने वाला था, मगर किशोर कुमार ने ये इंस्ट्रूमेंट की जगह अपना खुद का आवाज़ यूज़ किया और वो आवाज़ था, तो ये आवाज़ किशोर कुमार ने खुद डाला था। इस आवाज़ की वजह से गाने को चार चांद लग गए थे, वहाँ बैठे तमाम लोग सरप्राइज हुए थे, गाना बहुत ही अच्छा हुआ था और एक सुपरहिट गीत किशोर कुमार ने गाया था और किशोर कुमार जी को भी पता था एक गीत आगे चल के बहुत ही बड़ा सुपरहिट होने वाला है, और ऐसा ही हुआ। जब ये फिल्म रिलीज़ हुई और ये जब गाना पर्दे पे आया तो लोगों को ये गाना बहुत अच्छा लगा, गलियों में हर जगह पे ये गाना गूंजने लगा। आज भी ये गाना बहुत पॉपुलर है और आज भी किसी भी किशोर कुमार की महफिल में आप जाओ ये गाना आप ज़रूर सुनेंगे, ये गाना लोगों का पसंदीदा गीत है। तो अंत में हम यह कह सकते हैं कि जो सलाह मनोज कुमार साहब ने दी थी वो सलाह बहुत ही खरी थी और उसकी वजह से ही फिल्म बड़ी चली, तो आज भी डॉन जैसी फिल्म का निर्माण दोबारा नहीं हो सकता। तो दोस्तों अगले पार्ट में मैं लेके आऊँगा अमिताभ बच्चन जी की इस गीत के बारे में कुछ यादें। तो तमाम सुनने वालों को मेरी गुजारिश है अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और मैं लेके आऊँगा कुछ नए किस्से, कुछ नई कहानियाँ आपके लिए। जय हिंद, जय भारत।